नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। प्रशासन गांवों के संग अभियान का फॉलोअप कैंप का आयोजन बॉय के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। इसमें ग्राम पंचायत बॉय मगनपुरा खोरा लिखमा का बास के लोगों का कार्य विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर ही निस्तारित किया गया। शिविर प्रभारी और उपखंड अधिकारी दाता रामगढ़ के ने बताया कि कैंप में 20 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह पंजीकरण किए गए। ग्राम पंचायत के आवासीय पट्टे जारी किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा बाजियावास पंचायत के लोगों को 20-25 पट्टे जारी किए गए। श्रम विभाग द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 11 कार्ड तथा इसमें कार्ड 11 वितरित किए गए। राजस्व विभाग में 65 विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र और 10 राजस्व रिकॉर्ड शुद्धिकरण किया गया। शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा COVID-19 के वैक्सीनेशन के टीके भी लगाए गए। शिविर में ग्राम पंचायत बॉय के जनप्रतिनिधि और आम जनता ने बिजली कटौती का विरोध करते हुए ज्ञापन दिए। वहीं बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ जनप्रतिनिधि और आम लोगों ने स्कूल की जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिए मांग करते हुए ज्ञापन दिए, जिस पर शिविर प्रभारी SDS राजेश मीणा ने 3 दिन में हल्का पटवारी बॉय के से मौका रिपोर्ट मांगी। वहीं ग्राम पंचायत मगनपुरा के दलित परिवार ने रजिस्ट्री सुधा कृषि भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे पर हटाने की मांग करते हुए SDM दाता रामगढ़ को प्रथाना पत्र दिया। शिविर में राजस्व विभाग, पंचायत राज विभाग, परिवहन विभाग, कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान विकास अधिकारी पूरण मल शर्मा PEO, जगदीश शर्मा भावरिया हरफुल कटवा, पंचायत समिति सदस्य नीतू देवी खोरा, सरपंच भगवान सायक ढाका लिखमा का वास, सरपंच सागरमल सामोता मगनपुरा, सरपंच सुरेश वर्मा वाजवास, सरपंच चंदा धायल बाय, सरपंच मुकेश खांडल, लेखा अधिकारी केसरमल गोठवाल बॉय, ग्राम विकास अधिकारी अर्जुनलाल वर्मा कृष्ण अवतार, कनिष्ठ सहायक सीताराम लोरा महेंद्र कुमावत, EN रामनिवास झांझड़िया, सहायक अभियंता अश्विनी कुमार मीणा, वार्ड पंच विनोद जोशी, गजानंद मौर्य, अश्विनी महिला कॉलेज के संचालक मदनलाल ताखर सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान शिविर में शेखावटी ग्रामीण PG कॉलेज बॉय की स्काउट रोवर यूनिट लीडर गजानंद मौर्य तथा यूनिट के रोवर ने भी अपनी सेवाएं दी। जैसा कि आप सभी विषय के गत वर्ष 2 अक्टूबर को प्रशासन गांव सिंह अभियान का आगाज हुआ था और हमारे दातारामगढ़ ब्लॉक में लगभग 65 पंचायतों में काफ़ी हमारे कैंप आयोजित किए गए थे और सरकार की मंशा ये है कि सभी जो सरकारी जो विभाग है मौके पर जाकर आम जन की समस्या का समाधान करें। और इस अभियान के अंतर्गत कुल जो 22 विभाग इसमें सम्मिलित हुए थे और कैंप समाप्ति के उपरांत यानी जब कैंप समाप्त हो गए थे उसके उपरांत सरकार की मंशा ये थी कि कुछ फॉलोअप कैंप फिर दोबारा से आयोजित किए जाए। फॉलोअप कैंप का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो छोड़ में जो कैंप आयोजित हो चुके हैं उन कैंपों में यदि कोई वंचित व्यक्ति है, परिवारी है, जिसको व्यक्तिगत लाभ की योजना का किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल पाया या फिर गांव की कोई ऐसी समस्या जो सार्वजनिक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है उस उद्देश्य से पुनः दोबारा फॉलोअप शिविर आयोजित किए जाए। और फॉलोअप शिविर में कुछ पंचायतों को क्लस्टर बनाए गए और क्लस्टर बनाकर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आज जो हमारी ग्राम पंचायत बाई के अंदर 5 पंचायतों का क्लस्टर बनाकर एक फॉलोअप कैंप शिविर आयोजित किया गया है और कैंप काफ़ी सफलतापूर्वक संपादित भी हुआ है। इस कैंप के अंदर मुख्य रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए होते हैं, जैसे राजस्व विभाग है, पंचायत राज विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, पेंशन अपना लेबर डिपार्टमेंट है या अन्य विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट है जहाँ पर उन्हें अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास किया गया है।
सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये फॉलो अप कैंप रखा, जिससे आम जन को फिर से एक जगह पूरे परिवार के साथ हर सुविधा से जो कामों से जो वंचित लोग थे उनको सुविधाएं मिली। पहले जो शिविर में काफ़ी लोग वंचित रह गए थे, अभी इस फॉलो अप कैंप में वापस वो जो लोग के काफ़ी काम अटके पड़े थे, जो सरपंच के पंचायत में चक्कर काटते काटते थक जाते थे, जो पंचायत समिति में वीडियो के चक्कर काटते काटते थक जाते थे, जो SDM तहसीलदार सभी विभागों के कर्मचारी वहाँ मिलते नहीं हैं, कभी कौन नहीं मिलता है, कभी ग्राम सेवक नहीं मिलता है, तो इसलिए ये जो फॉलो अप कैंप है इसमें सारा पूरा स्टाफ है वो यहाँ मिल जाता है और लोगों के जो भी काम है एक साथ पूरे हो जाते हैं और काफ़ी लोगों के जो पट्टे हैं वो इसमें वितरित किए गए हैं। मेरी ग्राम पंचायत बाजावास में पहले जो प्रशासन गांव का शिविर था उसमें मैंने 161 पट्टे वितरित किए थे और इस फॉलो अप कैंप में मैंने 25 पट्टे दिए हैं, इसलिए काफ़ी लोगों का जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे हैं। नाम आपका? सरपंच चंदा दायल, ग्राम पंचायत बाजावास। उसके अंदर सरपंचायत है, उनका बाय के अंदर जो प्रशासन गाँव के संघ कैंप हुआ, इसमें लोगों के मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, जमीन में जो अशुद्धियाँ हैं, राजस्व रिकॉर्ड में जो अशुद्धियाँ हैं, पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, कुछ जो कृषि से संबंधित जानकारियाँ हैं वो सब इस कैंप में लोगों को बताएगी और उसका लोगों को काफ़ी फायदा हुआ और काफ़ी लोग उत्साह से इस कैंप में भाग लिया। हमारे उपमंडल अधिकारी SDM साहब भी उपस्थित थे और पंचायत समिति के हमारे विकास अधिकारी वो भी उपस्थित थे और तमाम विभागों के तमाम कर्मचारी यहाँ उपस्थित थे। अच्छी व्यवस्था की गई, हमारे पंचायतों के सरपंचों ने मिलकर अच्छी व्यवस्था की, सबको खाना वाना चाय पानी की पूरी व्यवस्था की। नाम आपका? कैंप बड़ा संतोषप्रद रहा, भगवान साहब डाका सरपंच ग्राम पंचायत को।